मुस्लिम वोटर्स ने जेएमएम को दिया समर्थन, झारखंड में फेल हुआ ओवैसी फैक्टर, रिजवी को नोटा से भी कम वोट। पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद झारखंड के डुमरी में हुए उपचुनाव में भी मुस्लिमों ने अपने वोट को बिखरने नहीं दिया। पूरे समुदाय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम पर भरोसा जताया और ओवैसी फैक्टर को फेल कर दिया। डुमरी में मुस्लिमों की बड़ी आबादी होने के बावजूद एआईएमआईएम प्रत्याशी को सिर्फ 3400 वोट मिले, जो नोटा से भी कम है। जबकि वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो ओनल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी को 24,000 वोट मिले थे, लेकिन मुस्लिमों ने इस बार एक मुश्त वोट जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी को दिया। जगन्नाथ के निधन से बेबी को जनता की सहानुभूति मिली। यही वजह है कि भाजपा का साथ मिलने के बावजूद आजसू की यशोदा देवी चुनाव हार गई। जानकारों का कहना है कि अब मुस्लिम वोटर समझ गया है कि अगर भाजपा को हराना है तो ऐसी पार्टी को वोट करना है जो उसे हरा सके। झारखंड में यही पैटर्न मांडर उपचुनाव में भी देखा गया था, जब 2022 के उपचुनाव में एआईएमआईएम प्रत्याशी देव कुमार धान मात्र 22,000 वोटों पर सिमट गए। कांग्रेस से बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में धान का बतौर जेवीएम प्रत्याशी 70,000 मत मिले थे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। बेबी देवी को 1,02,31 मत और आजसू की यशोदा देवी को 83,075 मत मिले। एआईएमआईएम प्रत्याशी को 3400 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी कमल प्रसाद साहू को 700 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी नारायण गिरी को 600 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी रोशन लाल तुरी को 1800 वोट मिले, जबकि नोटा में 3600 वोट मिला। दिवंगत जगन्नाथ महतो ने इस सीट पर लगातार 4 बार जीत हासिल की थी, जिसे बरकरार रखते हुए पत्नी बेबी देवी ने 5वीं बार जेएमएम की झोली में ये सीट डाल दी। जेएमएम की जीत के 5 प्रमुख कारण ये हैं। 1, ओवैसी फैक्टर को फेल कर मुस्लिम वोटर्स ने जेएमएम को समर्थन दिया। 2, INDIA के घटक दल एकजुट रहे, 2019 में जदयू और भाकपा ने भी चुनाव लड़ा। 3, भाजपा का पूरा वोट बैंक आजसू को ट्रांसफर नहीं हो पाया। 4, इस बार चुनावी दंगल में मात्र 6 प्रत्याशी थे, जबकि पिछले चुनाव में 16 प्रत्याशी थे। 5, जगन्नाथ महतो के निधन से उनकी पत्नी बेबी देवी को सहानुभूति मिली। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सबसे जरूरी कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जोहार झारखंड।